छह जुलाई से सावन का पहला सोमवार शुरू होने जा रहा है और इस सावन के महीने में शिव के भक्त महादेव की उपासना करते हैं। माना जाता है कि जो भक्त सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान और पूजा पाठ करते हैं, उन भक्तों के ऊपर सदैव भोलेनाथ की कृपा बनी होती है। वो किसी भी परेशानी में होते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हैं। वहीं एक और बात है कि देवेंद्र नगर से 10 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में भगवान बजरंग बली का मंदिर है, जहाँ भोलेनाथ की भी प्रतिमा विराजमान है। ये स्थान कुडियन के नाम से जाना जाता है और ये काफी पुराना स्थान है। यहाँ एक झरना भी है जिसका पानी 30 फीट ऊपर से गिरता है। बताया जा रहा है कि इस स्थान में लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और ये स्थान बहुत ही सुंदर है। सावन के महीने में यहाँ लोग काफी आते हैं और इस झरने में नहाकर भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं। वहीं इस मंदिर में रह रहे साधु बाबा जी से हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये पानी जो कि झरने से गिरता है, ये पानी सिमनघाट से आता है और जाकर सतना नदी में मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कुड़ियन स्थान है, यहाँ प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ कई जनों की मनोकामना पूरी हुई है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो पानी सिवन घाट से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? ये पानी जा रहा है इतने से फिर जाकर पिथौरा हंस से और सतना। अच्छा, ये मंदिर कितने साल पुराना हो गया? ये मंदिर है अब 10-12 साल को। हाँ 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 20 साल समझ लीजिए, 20 साल पुराना मंदिर हो गया। अच्छा, यहाँ मतलब श्रद्धालु आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, यहाँ इनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ स्थान कौन सा है, कौन से महाराज जी प्रसिद्ध हैं यहाँ? अब यहाँ सिद्ध है नहीं तो कौन सी मतलब मूर्ति विराजमान है? ये यहाँ बजरंग स्वामी। अच्छा, बजरंग बली की मूर्ति है। तो यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है ना? तो यहाँ बहुत अच्छा स्थान है ना? यहाँ पानी झरता है, मतलब पानी आता है। कहाँ से पानी आता है आपने एक बार बता? सिमन घाट से पानी आता है और कहाँ जाके मिलता है ये? ये जाके सतना नदी। चलिए।